आज हम कच्चे आम का अचार बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कैरी को धोकर सुखाकर और उसे छीलेंगे। हम 2 कैरी का अचार बनाएंगे। उसे ऊपर से छीलकर और छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। वैसे तो मैं छिलके के साथ ही बनाती हूँ, पर आजकल कोरोना का खतरा ज़्यादा होने के कारण छील लेना ही ज़्यादा उचित है। ये देखिए, कटके तैयार हो चुकी हैं। अब हम सरसों का तेल लेंगे 2 टेबलस्पून और उसे गर्म करेंगे जब तक कि उसमें से धुआं ना उठने लग जाए। उसके बाद हम उसे बंद कर देंगे और ल्यूक वार्म होने का इंतज़ार करेंगे, यानी थोड़ा सा गर्म होगा तभी हम उसमें 1 टीस्पून कलौंजी, 2 टीस्पून सौंफ दरदरी पिसी हुई और 2 ही टीस्पून पीली वाली राई डालकर अच्छे से इसे हिला लेंगे। ध्यान रहे, तेल थोड़ा गुनगुना सा होना चाहिए। इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे। 2 पिंच के करीब हम इसमें हींग डालेंगे। हींग की एक अच्छी खुशबू आती है अचार में। अब इन्हें अच्छे से हिला लेंगे। सभी मसालों की एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मुँह में पानी आने लगा है। अब इसे हम ठंडा कर देंगे। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम इसमें कैरी मिक्स करेंगे, नहीं तो अचार पानी छोड़ देगा ज़्यादा। कैरी डालकर और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला पूरी तरह से कैरी के साथ में मिल जाए। मेरे तो मुंह में पानी आने लगा है अभी से। देखिए, इस तरह से पूरी तरह से मसाला मिल चुका है। कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे अभी से ही खाना शुरू कर सकते हैं। इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अच्छे से दबा दीजिए और अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो ऑयल और डाल दीजिए गर्म करके, ठंडा करके। फटाफट बनाइए और खाइए।